गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए आज हम संख्याएं करेंगे 26 से 50 तक, यानी 26 से 50 तक, क्योंकि 1 से 25 तक आपने 6th क्लास में पढ़ी होगी। ठीक है, तो हमारे जो पाठ्यक्रम में हैं वो 26 से 50 तक है अभी। तो देखिए 26 यानी 26 को कहते हैं, आप मेरे साथ इसका उच्चारण भी देखिए, सुनिए, षड्विंशति ही, 27 सप्तविंशति ही, 28 अष्टाविंशति ही। ये आपको याद रखना है कि अष्ट वाले जितनी भी हैं ना, तो उनमें ट के आगे आ की मात्रा लग जाती है, एक सूत्र विशेष से होता है ऐसा, अष्टाविंशति ही। इसके बाद 29 नवविंशति ही, 30 त्रिंशत। देखो त हलंत है तो इसको ऐसे बोलेंगे त्रिंशत, 31 को एक त्रिंशत, 32 द्वात्रिंशत, 33 त्रयस्त्रिंशत, क्योंकि ये त्रयस्त्रिंशत होता है, त्रयस्त्रिंशत विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद है 34 को चतुस्त्रिंशत, इसको चतुस्त्रिंशत भी कह सकते हैं, क्योंकि विसर्ग लगाएंगे तो फिर चतुस्त्रिंशत बन जाएगा, विसर्ग हट जाएंगे तो विसर्ग के स्थान पर स आ जाएगा सड़क वाला, तो चतुस्त्रिंशत हो जाएगा। ठीक है, 35 को पंचत्रिंशत, 36 षट्त्रिंशत, 37 सप्तत्रिंशत, 38 अष्टात्रिंशत, मैंने बताया था आठ वाले में आ की मात्रा आ जाती है, अष्टात्रिंशत, 39 नवत्रिंशत, 40 चत्वारिंशत, ये ऐसे बोला जाएगा चत्वारिंशत, 41 एक चत्वारिंशत, 42 द्वाचत्वारिंशत, 43 त्रयश्चत्वारिंशत। अब देखो इसको त्रयः विसर्ग लगाएंगे, ये विसर्ग यहाँ लगाएंगे तो ये फिर श हट जाएगा, त्रयः चत्वारिंशत लिख लो या फिर त्रयश्चत्वारिंशत कर लो, दोनों सही है। इसके बाद 44 चतुश्चत्वारिंशत या चतुश्चत्वारिंशत, विसर्ग लगेंगे तो ये श नहीं आएगा और विसर्ग हट जाएंगे तो फिर ये लगेगा चतुश्चत्वारिंशत, क्योंकि ये विसर्ग के स्थान पर ही ये श आता है, चतुश्चत्वारिंशत। 45 पंचचत्वारिंशत, 46 षट्चत्वारिंशत, 47 सप्तचत्वारिंशत, 48 अष्टाचत्वारिंशत। ये 48 में या 38 में या 28 में आपको याद रखना है, इनमें आ की मात्रा लग जाती है, अष्टाचत्वारिंशत, 49 नवचत्वारिंशत और 50 पंचाशत। इसको ऐसे हमने जो संख्याएं हैं इनका उच्चारण इस प्रकार से करना है। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।